वेलकम आ गए हम लोग इन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ये थोड़ी सी कुर्बानी की बात है और स्पेशली एक ऐसे रिश्ते में जिसके जो कुर्बानी मांगता है, कभी जज्बात की, कभी कुछ अपनी ख्वाहिशात की, कभी जो है आपको फैमिली के लिए जो है बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये एक ऐसे मियाँ बीवी की कहानी है। तो सुनिए, होता ये है कि एक दिन जो है वो उनकी एक बेगम होती हैं, बहुत खूबसूरत लंबे घने बाल होते हैं, और वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मैं अपने बालों में जो क्लिप डालती थी वो मुझसे टूट गया है, तो आप प्लीज़ मुझे जो है अगर नया क्लिप ला के दे दें। तो हस्बैंड उस वक्त परेशान होते हैं, वो अपना कोई हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि मेरे पास मेरी घड़ी इतने दिनों से टूटी हुई है और मैं मुझे टाइम का नहीं पता होता कि क्या टाइम हो रहा है, तो मुझे वो ठीक कराने के मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें क्लिप किधर से ला के दूँ। तो बेगम जो है वो चुप हो जाती हैं और कहती है कि मैं क्या ही कह सकती हूँ इनको इसके बाद। तो वो हस्बैंड जो है, अब ये दिमाग में उनके बात रह जाती है, अक्सर यही होता है कि जब कोई बहस वगैरह होती है तो दिमाग में बात रह जाती है, लेकिन उस वक्त बंदा जो है गुस्से में कुछ भी कह जाता है। तो अगले दिन जब वो काम पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक जो है वॉच मेकर की शॉप है जो वॉचेस ठीक भी करता है और वहाँ पर आप बेच भी सकते हैं, पॉन शॉप भी होती है। तो कहते हैं क्यों ना मैं अपनी इस घड़ी को ठीक, तो मैं इसको करा नहीं सकता, तो जैसी तैसी है मैं इसको बेच के तो इतने पैसे आ जाएंगे कि मेरी बेगम ने जो कल मुझसे ख्वाहिश की थी क्लिप की, वो मैं लेकर वापस चला जाऊँ। तो वो जाते हैं और वो क्लिप वहाँ पर जो है अपनी वॉच बेच देते हैं और जो पैसे मिलते हैं उससे क्लिप लेके खूबसूरत सा, तो घर रवाना हो जाते हैं। काम के बाद जब वो घर जाते हैं तो उनकी बेगम जब दरवाजे पे आती है तो वो देखते हैं कि बेगम के जो इतने लंबे घने बाल थे वो उसने बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो कटवा दिए। तो उन्हें अपने बेगम के बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और वो एकदम से देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या किया है तुमने, तुमने बाल क्यों कटवा दिए। तो उसी वक्त जो है वो एक घड़ी जो है वो निकालती है और वो सामने करती है, कहती है कि मेरे बाल जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा कीमती नहीं कि आपकी खुशी इसमें ना हो या आपको कोई इनकन्वीनियंस हो, तो मैंने अपने बाल जो है वो काट के बेच दिए हैं और उससे जो मुझे पैसे मिले उससे मैं आपके लिए घड़ी ले आई हूँ। तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो दिखाता है कि मैं तो अपनी घड़ी जो है वो बेच चुका हूँ और मैं उसकी जगह आपके लिए क्लिप ले आया था। तो यही एक छोटी सी स्टोरी है, थोड़ी जज्बाती सी, थोड़ी सी इमोशनल सी, लेकिन ये शो करती है कि किस तरह एक हेल्दी रिश्ते को चलाने के लिए, एक खूबसूरत रिश्ते को निभाने के लिए कभी कभी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है और दूसरे की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देनी पड़ती है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ज़िंदगी में होने चाहिए हैं और यही कुछ हमें जो है अपनाना भी चाहिए। छोटी सी मेरी एडवाइस। आज के मैं गेस्ट अनाउंस कर दूँ जल्दी से, हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट हैं, मॉर्निंग योगा रूटीन करेंगे हम उनके साथ। हमारे साथ होंगी हादिया मुबशर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो कुछ न्यूट्रिशन की बातें इनके साथ। शेफ बहादुर खान जो कि आज बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, तो अगर किसी को ये नहीं आती आज हम ये भी सिखा देते हैं। और हमारे साथ होंगे एजाज शेर अली जो कि सिंगर हैं और आज यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सी कवाली जो है उसका मुजाहिरा कीजिएगा आप सारे। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया है किरण ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? फिट ठीक ठाक। मैं इनसे पूछ रही थी ऑफ स्क्रीन, मैंने कहा योगा जो इंसान नया नया स्टार्ट करता है तो पहले तो आपकी बॉडी बड़ी स्टिफ सी होती है, तो कितने अरसे बाद फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्पेशली जो लोग स्प्लिट्स वगैरह नहीं कर रहे होते? हाँ वो तो नहीं, वो जो स्प्लिट वाले हैं तो तकरीबन आपको 6 महीने लगेगा। अच्छा, और वो जो बैलेंसिंग वगैरह होती है? बैलेंसिंग है वो 2-3 महीने में आ जाती है। अच्छा, ठीक है। इवन अगर आप थोड़ा सा टच में जो अपनी तो उसको टच करने की या वो 1 महीने के बिल्कुल। मैं एक योगी को फॉलो करती हूँ, मैं आपको पहले ही बता रही थी, तो वो जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी शेयर कर रही होती है पिक्चर्स। हाँ, तो दिखाई थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी आई और कितने वो आराम से। हाँ, जो है जो हेड स्टैंड होते हैं तो उसके लिए तो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं अगर आप रूटीन में करते हैं। अगर एक दिन, हाँ मतलब अगर आपने 2 हफ्ता छोड़ दिया या 1 हफ्ता छोड़ दिया तो वापस आप अपने रिलैप्स हो जाते हैं। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सुंदर सुंदर, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। फैशन के मुताबिक और एक ठंडी ठंडी जो इस्लामाबाद की सुबह है उसके मुताबिक आपने कपड़े पहने हुए हैं, एकदम से अच्छे लग रहे हैं। मैं भी नहीं कहती जितना अच्छी लग रही है, तब मैं कहती हूँ अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं कहती, बस अच्छी बात, सच बोलना चाहिए ना इंसान को। हाँ ना, सीधी सी बात है, इसलिए कि फिर हम अगर अच्छी चीज को प्रमोट करेंगे तो वो चीजें कंटिन्यू रहती हैं। बिल्कुल जी, हाँ जी। आज का सवाल जो है वो बड़ा मजे का सवाल है। हाँ, अचानक ऐसे मेरे साथ हो कि अगर अचानक ऐसे मेहमान आ जाए जो मैं चाह भी नहीं रही हूँ, तो फिर मैं उनको हल्का हल्का ये बावर करवाती हूँ कि आपने फोन नहीं किया वगैरह आ गए हैं, माइंड नहीं करते, इधर नाराज हो जाते हैं रिश्तेदार, तो फौरन दोबारा आते ही नहीं है फिर। नहीं नहीं, इतना ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा बुरा वाला भी नहीं देना ना। अब यही तो हमारा असासा होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों ये लोग ना। ये तो है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो मैं उनको हल्का हल्का भी कह देती हूँ कि जैसे आज तो मैंने भाई के घर जाना था, तो चले बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बताएं आपने क्या लेना है, चाय लेनी है या खाने पे बैठेंगे। तो अगर आपने खाना खाना है तो वैसे मेरे पास कुछ चीजें फ्रीजर में पड़ी है, उनको बना दूं थोड़ा थोड़ा। ये लेकिन मुकम्मल से नाराज भी तो नहीं करना ना सुंदर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा तरीका। वैसे एहसास होता है, कुछ लोग होते हैं ना उनके सर के ऊपर से बातें गुजर जाती हैं। ना 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 ना, फिर ये देखना होता है वो कि वो हमारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं या बातें सुन रहे हैं। अगर तो वो हमारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं, तो फिर मैं उन कामों को जरा जल्दी कर देती हूँ कि भाई आपको निपटाना है आज, आज आपको निपटाना है। और जाने भी ऐसे नहीं देना कि खाली नहीं जाने देना, ताकि शिकवा ना हो, गिला ना हो कोई। हाँ, गिला भी ना हो, और आप आए हैं तो हमारे किसी रिलेशन की वजह से आए हैं, ऐसे तो नहीं आगे ना। तो आपको पता है इस्लामाबाद में तो वैसे भी जो है ये रिश्तेदारियां दोस्तियां एक दफा लगा के रखे हैं तो वो बंदा कहता है ना ही छोड़ें, क्योंकि ये अब जमा हो गई है, इनको तोड़े तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनको बता देते हैं कि आजकल हमारे बड़े टाइट डेज चल रहे हैं। जैसे भी वाकई सच में पिछले सारे दिनों में ना लगातार इतनी शादियां थी, एक एक मतलब सैटरडे संडे में दो दो तीन तीन जगह पे हम लोगों को जाना था। बिल्कुल, आगे रमजान है तो वो सारा कुछ जो है ना अभी निपटाया जा रहा है, बड़ी ईद के बाद भी ऐसा होगा। पर के थोड़ा सा उनको ये बताना कि जी आप थोड़ा सा गलत वक्त पे आ गए हैं, ये नहीं कि आप गलत हैं, मैं उनको ये बावर करवाती हूँ कि आप हैं अच्छे। बिल्कुल, आज आपकी टाइमिंग कोई खास नहीं, टाइमिंग नहीं, बहुत जबरदस्त भाई आपका, इतना जबरदस्त तरीका है ये बताने का, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन इसके लिए मेहमान भी ऐसे होने चाहिए ना जिनको समझ आ जाए कि अच्छा हमने गलत। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाभी आप जाइए, आप आराम से कुछ ना करें, मैं खुद चाय बना लेती हूँ किचन में जाके, ना टेंशन क्यों ले रही है, अच्छा बच्चों के पेपर्स है कोई बात नहीं, उन्हें बोले कमरे में पढ़ ले। तो इसके लिए ना जरा दिमाग भी जो है ना आपका हाजिर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने मुझे तरीका बताया। अच्छा किरण, हम आज क्या करने जा रहे हैं? आज हमने वही मॉर्निंग योगा, मॉर्निंग योगा रूटीन, ठीक है। तो हम लोगों को जगाते हैं, जितने भी योगी इस वक्त आ चुके हैं स्क्रीन के सामने वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो जी, पहले से अपने आप को वार्म अप कर दीजिएगा। वार्म अप करके उसके बाद आपने शुरू करना है डीप लॉन्ग ब्रेथ। अच्छा, अब तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बैक बेंडिंग ज्यादा हो गए होंगे, कोशिश करना है फुल बैक करें, होल्ड रखना है, ठीक है। अब आपने जब होल्ड किया हो ऊपर तो कम टू योर टोस, ठीक है, इनहेल और फुल अपनी फुल बॉडी अपर बॉडी को अपने ऊपर की तरफ खींचना है फुल, और ठीक है। अब हम हल्का हल्का सा अपने आप को मूवमेंट साइड साइड बाय साइड में ना मूवमेंट देना है, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। लेकिन आपने दोनों हील को उठाना है, ठीक है, टोस पे आ जाएगा, टोस पे डीप ब्रेथ इनहेल, इनहेल करते हुए इसी तरह आपने डाउन होना है, लेकिन अभी भी आपने टोस पे रहना है, ठीक है। इनहेल फुल, अपनी जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, स्ट्रेट फुल स्ट्रेट स्ट्रेट, ओके। नाउ हल्का सा बैंड कर दीजिएगा, बैंड कर दे दोनों हाथ जो है ना वो आपने पाँव के दरमियान में रखना है, ठीक है, और होल्ड करना है, होल्ड करें फुल एंड होल्ड रखना, ठीक है। अपने अपर बॉडी का जो प्रेशर है वो आपने हाथों पर रखना है, ठीक है, आगे की तरफ बस होल्ड रखना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर बैक एंड डाउन डाउन होल्ड, राइट।
थोड़ा सा कोशिश करें, तुम वन लेग को अपने स्ट्रेट किया है एंड होल्ड रखना है, ठीक है। सारा प्रेशर जो है आपके ये ट्राइसेप एंड एंड आल्सो आपके अपर बॉडी पे आ जाता है, शोल्डर पे आता है, ठीक है। ये देखें, स्ट्रेट होल्ड एंड होल्ड रखना है, ठीक है। ये देखें, मैं बिल्कुल सिर्फ हल्का सा, यस, अगेन द डीप ब्रेथ लेना है, दोनों हाथों स्ट्रेट रखना है एंड डाउन, वन रखा से ऊपर करना है एंड डाउन। ये देखें, वन टू एंड डाउन, फुल ड्रॉप योर हैंड एंड ड्रॉप योर हेड, ऐसे ड्रॉप करना है बिल्कुल स्ट्रेट और होल्ड होल्ड करता है, ठीक है। आप अपने दोनों लेग को पीछे ले जाए, ठीक है। कम टू द डाउनवर्ड फेस एंड होल्ड रखना है, ठीक है। नाउ कम अ प्लैंक, अगेन डाउनवर्ड फेस, होल्ड 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 होल्ड, ओके। अब अपने राइट लेग को आपने सामने लेके आना है, ठीक है। यही आपने प्ले करके स्ट्रेट करके डाउन वापस लेके आना, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल, एक्सहेल किया है। अब आपने क्या करना है कि कम टू योर एल्बो, दोनों हाथ एल्बो पे आता है लाइक दिस, ठीक है। अब ट्रांसफर करके होल्ड करना है, फिर वापस आपने एल्बो पे आ जाएगा, होल्ड फुल स्ट्रेट एंड होल्ड। ये इसे आपने हाथ को ऊपर करना है, ऊपर फुल और बैक की तरफ वापस आए अपनी पोजीशन में, स्टैंड होना है। नाउ यही सा आपने बैक को थोड़ा सा आगे करना है, पुश आगे की तरफ प्रेशर देना, ठीक है। आगे की तरफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है, ये देखिए, और हेड ऊपर, ओके। नाउ डाउन, डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए अगेन आपने नी को अपने स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करके थोड़ा सा कोशिश करें, दोनों हाथ आपने रख दिया है स्ट्रेट। नाउ टच योर फोरहेड टू योर नी, नाउ बेंड बेंड करते अगेन वापस अपनी पोजीशन में डाउनवर्ड फेस में जाए, ठीक है। यस, डाउनवर्ड फेस में इसी तरह पुश बैक और पुश आपके बैक एंड हैमस्ट्रिंग स्क्वाट लेग सारा स्ट्रेच होने चाहिए, फुल डाउन, ओके। नाउ अगेन दूसरी लेग की लेफ्ट लेग को क्या लेके आना, सामने लेके आना, ठीक है। इसी तरह डीप ब्रेथ, ऑन, ओके, जस्ट अ मिनट। इसी तरह आपने वापस करना है, बैक स्ट्रेट, वापस एल्बो पे आ जाए, एल्बो पे आके एंड होल्ड रखना है, ठीक है, ओके। डन, वापस लेके आना है एंड अप, आपकी एक आपको एक्टिव करने के लिए जो है, हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग में, ठीक है। आप सुबह 5 मिनट भी अगर अपने आप को देते हैं तो आप दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। ये 10 आसनास है, 10 आसनास, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक वापस ऐसे एक सर्कल है, वापस अपने सर्कल में आते हैं, ठीक है। राइट लेग से स्टार्ट करते हैं, फिर लेफ्ट तक आ जाते हैं, ठीक है जी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक कर आप सारे। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। अगली बात जो मैं करने जा रही हूँ, मुझे लगता है जितनी भी माएँ इस वक्त मेरा शो देख रही हैं वो इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगी और अग्री भी करेंगी
कि माओं के लिए सबसे बड़ा इशू क्या होता है जब उनके बच्चों की बात आती है. वो चाहती है कि उनकी हेल्थ और एजुकेशन जो है वो टॉप लेवल की हो, उनकी हेल्थ भी हमेशा ठीक रहे, उनकी एजुकेशन भी अच्छी रहे, वो ज़िंदगी में कामयाब हों, वो सेहतमंद हों, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सबसे आगे हों, वो पढ़ाई लिखाई में भी सबसे आगे हों. इसलिए हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट दे. लेकिन बेस्ट देने के बावजूद भी कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, अपने पेयर्स से पीछे रह जाते हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या फिर पढ़ाई में. और ऐसा क्यों होता है, इसकी एक वजह जो है वो आयरन की डेफिशिएंसीज की एक और सबसे बड़ी वजह जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है. और पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है. ये क्यों होता है, इसको कैसे फुलफिल किया जाता है, इसके असरात क्या होते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमने अपने गेस्ट को जो है वो दावत दी है, वो आपको बताएंगे. हमारे साथ हैं हादिया मुबशर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इनका एज अ डायटिक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मैं तो थोड़ा डर गई हूँ कि हर तीसरे बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है. एक्चुअली द इट इज 43% कि हर आपके 100% में से 43% जो है बच्चे दे आयरन डेफिशिएंट. अच्छा. और ये माएँ उनको पता नहीं लगता, बट इट्स वेरी सिंपल कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये बच्चे को कमी है या नहीं है. नहीं, अच्छा, इसके हम आपको बता देंगे कि किस तरह आपने जो है वो आइडेंटिफायर्स अपने बच्चे में देखने हैं कि ये अगर है तो उसको आयरन की डेफिशिएंसी है. अच्छा, पहले तो मुझे बच्चों की नशोनुमा के बारे में बताइए. बच्चों की जो न्यूट्रिशन होती है या उनकी गजाई ज़रूरियात होती हैं वो हम बड़ों से बहुत अलग होती है. वो बढ़ रहे होते हैं, उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उन्हें कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, उन्हें आयरन ज़्यादा चाहिए. जाहिर बात है वो बढ़ रहे हैं, उन्हें उनके ब्लड सेल्स बढ़ रहे हैं, और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि हम उनकी ये सारी कमियां पूरी कर रहे हैं या नहीं. हम बच्चे को बस हर चीज़ में आगे रखना चाहते हैं, लेकिन उसके आगे रखने के लिए उसकी जिस्मानी और जो जहनी है नशोनुमा वो बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली. और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐसे कौन से हैं जो डेफिनेटली डाइट में शामिल होने चाहिए? आयरन इज मेन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारा. अच्छा, अगर नस्ल बुनियाद की बात की जाए जी, तो ये क्यों ज़रूरी है एक बच्चे की नशोनुमा का हिस्सा होना? नस्ल बुनियाद में नस्ल ने इजाफी आयरन और वाइटमिन सी डाला सिर्फ. अच्छा. इसीलिए कि बच्चों की इस कमी के से हम टैकल कर सकें, ये कमी हम पूरी कर सकें. अच्छा, ठीक. वाइटामिन सी तो इज़ नोन फॉर इट्स इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज और आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, डेफिनेटली. जो मैं हमेशा यहाँ पे बात करती रहती हूँ, मल्टी वाइटामिन भी सोच के लेने चाहिए कि आप क्या चीज़ किसके साथ कम्बाइन कर रहे हैं. जरूर. तो ये जरूर. अच्छा जी, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या मसाइल होते हैं बच्चों में? आयरन की डेफिशिएंसी से जो सबसे बड़े मसले होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चों की एक तो कंसंट्रेशन वो नहीं रख सके. और उनकी पढ़ाई पे इस पे असर होता है, उनकी सोशल लाइफ पे होता है, वो दोस्त नहीं बनाते, इतने एक्टिव नहीं रहते. स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ये सारी इस वजह से होती है क्योंकि बच्चे थके थके रहना शुरू कर देते हैं. लेथार्जिक होते हैं, कुछ करने का दिल नहीं करता, पीले हो जाते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है. हाँ हाँ हाँ. तो वो हर चीज़ में फिर पीछे रह जाते हैं, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो पीछे हो जाते हैं. अच्छा, तो ऐसी कोई एज है जिससे आपको कॉशियस हो जाना चाहिए नस्ल बुनियाद को अपनी खुराक में शामिल करने की? कौन सी एज है, किस एज? नस्ल बुनियाद आप 4 से 12 साल के बच्चों को दे सकते हैं. 4 से 12 साल के बच्चे, ये आपकी ग्रोइंग एज होती है. इसके अंदर आपकी बोन्स डेवलप कर रही हैं, इसके अंदर आपका दिमाग जो है वो डेवलप कर रहा है. वैसे भी कहते हैं कि 7 साल तक की जो उम्र होती है उसमें आपकी ज़िंदगी का 70% ब्रेन जो है वो बन जाता है, और बाकी 30% जो है वो चेंज होता रहता है, उसमें बाकी सब कुछ एडिशन होती रहती है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो ये जो 7 साल तक का टाइम होता है इसके अंदर आपकी नशोनुमा बेहतरीन होनी चाहिए. और यही अनफॉर्चुनेटली एक एज होती है जिसके अंदर ना हमें फ्रूट्स खाने की आदत है, ना हमने वेजिटेबल्स खाने हैं, ना हमने कोई ऐसी चीज़ खानी है जो खुदा खास्ता हमें कोई अच्छा जो है फ़ायदा ना दे. असल में हम उन्हें आदत नहीं डालते बच्चों को शुरू से. अगर उन्हें शुरू से ये सारी आदतें हों तो फिर वो खा लेते हैं. बिल्कुल, बचपन में आप सिर्फ जान छुड़ानी होती है क्योंकि आपने बच्चों से, तो आप कहते हैं कि ये. अच्छा, एक माँ के लिए अगर वो अपने बच्चे को देख रही है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर उसे कॉशियस हो जाना चाहिए कि शायद अब मेरे बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है? जब अगर उसको स्कूल से कंप्लेन आए कि आपका बच्चा सही तरह नहीं पढ़ रहा या थका थका रहता है, या सुबह जो है ना क्लास में अटेंटिव नहीं रहता, सो जाता है. अच्छा. और माँ को ऐसे लगे कि बच्चे की भूख कम हो गई है, वो थोड़ा पीला पीला लगने शुरू हो गया है, उसकी आंखें, उसके नाखून थोड़े पीले लग रहे हैं, इस तरह की बातें हो, तो फिर उन्हें या तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. और जब उन्हें ये पता चल जाए कि इसको आयरन कमी है तो उन्हें पूरी न्यूट्रिशन देनी चाहिए ताकि ये कमी पूरी हो सके. ठीक है, क्योंकि ये बच्चे की बुनियादी एज है. बिल्कुल,
तो अगर यही हम ठीक नहीं करेंगे तो फिर उसका मुस्तकबिल नहीं ठीक होगा. मुस्तकबिल ठीक नहीं होगा, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं. अब कुछ सिम्टम्स तो ऐसे हैं जो माएँ अक्सर इग्नोर कर देती हैं. यूजुअली अगर आप दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं तो बड़ा वाला तो बड़ा एक्टिव था, छोटे वाले को किसी का शौक ही नहीं है, वो तो काम वो तो एक्टिविटीज़ में शामिल ही नहीं होता, वो तो दोस्त भी नहीं बनाता. तो ये हम नहीं देख रहे होते कि उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं. अच्छा, नेस्ले बुनियाद को खाने का कौन सा टाइम, मतलब कब उसको शामिल करना है अपने अपनी गज़ा में? इन द मॉर्निंग एज ब्रेकफास्ट. जैसे आपने नेस्ले बुनियाद अगर आप 2 glasses पर डे लेना तो वो आपका 60% कमी जो आयरन की है वो पूरी कर सकता है. 60% तो आप सुबह ले लें, फिर शाम को बच्चे को दे दें, ठीक है. और बड़ा आसान है इसको बनाना, बच्चे खुद भी बना के पी सकते हैं. अच्छा, हाउस अगर हमें एक दफा बता भी दें. एक ग्लास नीम गर्म पानी लेना है, बस ग्लास, आपके हाथ ये सब साफ होने चाहिए. और अब एक छोटा साशे मिलता है, 26 ग्राम 26 ग्राम का होता है, वो आपने उसके अंदर डाल के बस हल कर देना है, बन गया. तो अगर आपको कोई ऐसी चीज जो है वो इस वक्त मिल रही है, हम लोगों का मेन मसला ये होता है कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे, ठीक है आते बिगड़ चुके हैं आजकल के बच्चों की, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है जो अगर आप 1-2 glass जो है दिन में बच्चे को पिलाएं और उससे 60% जो है वो जो आयरन की डेफिशिएंसी आपके बच्चे में वो कंप्लीट हो सकती है, उसको फौरन अपनी गजा का जो है सब बना लेना चाहिए. टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम मिलकर एक प्लेज भी लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग. हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की नशोनुमा के बारे में और उनको क्या ऐसी जो है चीज़ें हैं जिनकी खुराक में शामिल होनी चाहिए उनकी हेल्दी मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, और अगर उन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो बच्चों पे क्या असरात हो सकते हैं. अच्छा, जो कॉम्बिनेशन है वाइटामिन सी और आयरन का, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाइटामिन सी और आयरन का कॉम्बिनेशन इससे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम कहते हैं कि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हमें वाइटामिन डी चाहिए होता है. अच्छा, इसी तरह आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी को वाइटामिन सी चाहिए होता है. अच्छा, ठीक ठीक. तो अगर ये कॉम्बिनेशन में ना लिया जाए तो फिर वो आयरन एब्जॉर्प्शन, ये नहीं कि आयरन बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं होगा लेकिन उस तरह नहीं होता वो. अच्छा, और कोई मतलब आयरन डिपॉजिट्स या कुछ इस तरह का हो सकता है, ऐसे नुकसान हो बच्चे को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आयरन डिपॉजिट्स और ये सारा कुछ, लेकिन ये कि जब वो आयरन आप यूज नहीं कर रहे तो वो क्या फायदा. एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. अच्छा, इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और किस एज से जो है डेवलप होना शुरू होती है? बिकॉज आई हैव हर्ड कि पहले जो बच्चे जो थोड़ा बाहर खेलते थे, स्ट्रीट में खेलते थे और ज़्यादा एक्सपोज होते थे, अभी भी अगर आप देख लें देहातों के बच्चों में और शहरी बच्चों में ये फ़र्क होता है कि शहरी बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, वो लोग नहीं होते. तो इम्यूनिटी डिवेलपमेंट जो है वो भी क्या इससे इफ़ेक्ट होती है उनके, और जो यहाँ शहरों में रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है. वो ऑर्गेनिक होते हैं, जो देसी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठोस गज़ा खाते हैं, तो उनमें उसी तरह इम्यूनिटी तो तब से शुरू हो जाती है जब से आप पैदा होते हैं. तब से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, तब से आपको वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें. ठीक, सही. और उसके बाद जो बेसिकली सबसे बड़ी नीड होती है, दैट इज़ द आयरन. दैट्स आयरन एंड आयरन एंड विटामिन सी बोथ इफेक्ट योर इम्यूनिटी लेवल्स टू, डू दे इंक्रीज इम्यूनिटी लेवल्स? अच्छा, विटामिन सी का बहुत रोल है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी आपकी जो है बढ़ाने में. इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोग माल्टे ज़्यादा खाते हैं जुकाम नहीं होता उनको, यू नो, ज़्यादा आपको खाने चाहिए ताकि आपको ना वायरसेस अटैक करें. तो ये दोनों चीज़ें इसमें कंबाइन की हैं. एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या कहेंगी नेस्ले बुनियाद के बारे में? नेस्ले बुनियाद, नेस्ले ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है ताकि ये जो 43% जो बहुत ज़्यादा कमी है वो पूरी किसी तरह हो सके. तो उन्होंने इसमें मिल्क न्यूट्रिशन के साथ साथ इजाफी आयरन और विटामिन सी डाला ताकि बच्चों की जो ये कमी है, जो जिस पे वर्क नहीं करते इतने पेरेंट्स, वो आराम से ही कोई बच्चे खुद भी बना लें, माएँ भी दे दें, आपके पास रेडीमेड है, आप उसको पानी में डालें बस बन गया. तो इस सब बच्चे इसको आराम से कंज्यूम कर लेते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं. जैसे वो खेल कूद भी रहे ना तो बीच में से 5-10 मिनट वो निकाल के तो वो ये ले लें और फिर दोबारा खेलने चले जाएं. बच्चे जब से पैदा होते हैं ना तब से माएँ सबसे पहले बड़े और माएँ यही सोच लेते हैं कि इसको बड़े होके ये बनाना है, ये बनाना है. डेफिनेटली. तो उसके लिए उसकी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल. जैसे उन्होंने कहा ना खेलने के बीच में भी अगर 1 glass पी लेते हो तो एक
انرجی بوسٹ ہے. ایک اور بات جو یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ دیہاتوں میں جو ہے خوراک آرگینک ہوتی ہے, صاف ستھری ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, پھر ان کو عادت ہوتی ہے سبزیاں بھی کھانے کی, جنک فوڈ اتنا وہ کھاتے نہیں کیونکہ اویلیبل نہیں ہوتا, تو جنرلی ان کی نیوٹریشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے یہاں کے بچوں سے. ابھی میں ایک ریسنٹ ریسرچ بھی پڑھ رہی تھی کہ اے پور وومن کوکنگ ایٹ ہوم از ہیلدیئر دین بائنگ فوڈ آؤٹ سائڈ فرام رچ آرگنائزیشنز, کہ جو گھر میں آپ پکا رہے ہیں جو آپ نے خود سبزی اگائی ہے وہی, اس میں نیوٹریشن بہت زیادہ ہے اس سے جو آپ 1,000-2,000 روپے کا باہر جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز کیونکہ شہروں میں انفارچونیٹلی میں ہیں آپ ہیں ہمیں بھی اویلیبل نہیں ہے, کون دیسی گھی کھاتا ہے, کون سبزیاں کھاتا ہے, تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے نیسلے بنیاد ایک بہت کی کمپوننٹ ہے جو آپ اپنے بچوں کو پلا بھی سکتے ہیں, اور اس سے ان کے اس طرح نے بتایا 60% آئرن ڈیفیشنسی جو ہے وہ کیٹر ہو سکتی ہے. تو ایک زندگی آسان بنانے کی بغیر کسی آؤٹ آف دا وے محنت کرنے کے آپ ایک 60% کمی آپ نے اس سے پوری کر دی, ان کی ڈائٹ اچھی کر دی, تو انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل ڈیفینیٹلی. اور کچھ سائنس جو ہیں جو مائیں اگنور کر دیتی ہیں بچوں میں اسپیشلی, جو وہ کہہ رہی ہوں نا کمپیریزن میں اگنور ہو جاتے ہیں, وہ ایک یہ ہے کہ بچے لیتھارجک ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, کسی ایکٹیویٹی میں کام نہیں لیں گے, واپس آئیں گے تو زیادہ سو رہے ہوں گے, یا پھر جو ہے کھیل کود میں زیادہ شامل نہیں ہوں گے. پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو کتابیں کھول کے بیٹھے رہتے ہیں, رائٹ, تو ان کا کانسنٹریشن اسپین ہی نہیں ہوتا, بس وہ کتابیں کھول کے رہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہمارے سر میں درد شروع ہو گئی ہے. یہ ساری وہ انڈیکیشنز ہیں کہ اس بچے کو آئرن کی کمی ہے, اور ماں کو یہ بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے, انہیں بچوں کے اوپر پوری نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کو کس ٹائم کیا چیز چاہیے. ہاں بالکل, صرف اس کی ہیبٹ سوچ کے جو ہے آپ اس کو اگنور مت کیجیے. اسپیشلی کچھ اور چیزیں جو ہمیں انہوں نے بتائی کہ آنکھوں میں پیلا پن, جی ناخنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر دباتے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناخن پیلے ہیں, اس کو خون کی کمی ہمیں لگ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب انیمک ہو رہے ہیں بچے, یا پھر آپ کو ویسے آنکھوں میں پیلا پن نظر آ رہا ہے, سستی نظر آ رہی ہے آپ کو, ان کو آپ نلائق مت کہیں, کوئی بچہ نلائق نہیں ہوتا, یوزلی کتابیں کھول کے بیٹھے رہتے ہو سمجھ تمہیں کچھ آتی نہیں, ہو سکتا ہے اس کو بایولوجیکلی ایسی ڈیفیشنسیز ہوں جس سے واقعی اس کا دماغ وہ کام کر ہی نہیں رہا ہے, وہ انفارمیشن ابزارب کر ہی نہیں رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اگنور نہیں کرنی. اور ایک اور چیز ضرور کیا کریں, ہر پیرنٹ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, سو ٹیچرز مجھے اس وقت جو ہے نا وہ کہیں گی کہ پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں ہم کیسے جان چھڑائیں, پیرنٹس سے اتنے انوالو ہو گئے, لیکن ماں باپ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی زندگی میں اتنا ایکٹیو جو ہے پارٹ لیں کہ جب بھی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ جائیں تو وہ صرف یہ نہ پوچھیں اے گریڈ آئے کہ بی گریڈ آئے, وہ یہ بھی پوچھیں کہ اس کا انٹریکشن کیسا ہے اپنے پیئرس کے ساتھ, وہ ایک ہیلدی بچہ ہے, وہ بات چیت کرتا ہے, وہ کھیلتا کودتا ہے, کلاس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے, اسپورٹس میں حصہ لیتا ہے کہ نہیں, اسی سے آپ کو جو ہے اپنے بچے کا پھر پتہ چلے گا. بچے کا اگر مستقبل ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں اس کی بنیاد ٹھیک رکھنی چاہیے. بالکل ڈیفینیٹلی. اب ہم مل کر ایک پلیج لیں گے ایز پیرنٹس, جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ میرے ساتھ یہ پلیج لیجیے, میں ایز اے فیوچر پیرنٹ, آپ ایز اے فیوچر پیرنٹ یہ پلیج لیتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہیلتھ کو نگلیکٹ بالکل بھی نہ کریں, ان کے ایشوز بالکل بھی اگنور نہ کریں, اور ان کے اوپر پوری توجہ دیں. اور اگر ہمیں ایسا کچھ بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے بچے میں کوئی بھی ایسی سائن ہمیں نظر آ رہا ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے یا اور کوئی غذائی جو ہے وہ کمی ہے, تو ہم اس کے اوپر پوری کوشش کریں کہ اس کو پورا کر سکیں. نیسلے بنیاد از ون اسٹیپ جس کو آپ اپنے گھر میں لے کر آ سکتے ہیں, اور 60% تک بچوں کی جو ہے آئرن کی ڈیفیشنسی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, ایک بہت انفارمیٹیو سیشن آپ کے لیے, اس کے اوپر غور کریں. ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو میک دی مارننگ, ہمیں جوائن کیا شیف بہادر نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں, شیف بہادر بہت اچھے کھانے بناتے ہیں, بہت مزیدار کھانے بناتے ہیں, لیکن آج جو ہے میں آپ کے لیے ایک اسسٹنٹ لے کے آئی ہوں اپنے ساتھ. جو لوگ شیف بہادر کے کھانے جو ہے نہیں کھا سکتے گھر پہ, ان کے ہاتھ کا بنا نہیں کھا سکتے, وہ شان مسالے جو ہے وہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آج ہم یہاں پر جو ہے شان مسالہ ہی استعمال کریں گے اس ریسیپی میں, اور گھر میں بھی آپ کو وہی ٹیسٹ مل جائے گا جو ادھر اس وقت مہکتی مارننگ میں ہم لوگ کھانا بنا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج ہم چکن ٹکا کڑھائی بنا رہے ہیں. چکن ٹکا کڑھائی, جی. اس میں ہم یہ ہے کہ اپنا بھی وہ ہوگا اور شان مسالے کا بھی کمال آج دیکھ لیں گے, دیکھ لیں گے, کیونکہ آلریڈی ہم کافی ہوٹلوں میں بھی ہر جگہ میں یوز کرتے ہیں شان مسالہ,
जो हमें ऐसे कोई चीज होता है हमें जल्दी में करना होता तो फिर हम ये शान मसाला यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर चीज आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वही फ्लेवर जो शेफ की एक्सपर्टीज से आता है या जो आपकी अम्मी के हाथ का फ्लेवर है या जो आपके रिवायती खानों का फ्लेवर है जो आपको वैसे नहीं मिलता, तो शान मसाले जो है वो आपको वो फ्लेवर दिला देते हैं। अच्छा जी, हम एक दफा रेसिपी बता जी हम रेसिपी बता देते हैं। इसमें चॉप गार्लिक है, ठीक है, जिंजर पेस्ट है, सॉल्ट है, लेमन जूस, ग्रीन चिली, जिंजर हमने जूलियन काटा हुआ है, कोरिएंडर है, ये पिकल हमने ऑप्शन पे रखा हुआ है, अगर हम आप डालना चाहे आपको पसंद है, लेकिन बेसिकली कढ़ाई की रेसिपी नहीं है, अगर आप अचारी कढ़ाई बनाना चाहते तो अचार या कोई इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं। हम नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे थोड़ा बस, ठीक है, हाँ वो हम ऑप्शन पे हम रख देंगे। इसमें ब्लैक पेपर है क्रश, गरम मसाला है, क्रश चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, क्यूमन पाउडर और धनिया नहीं हल्दी है और धनिया पाउडर है। सबसे पहले हम तिक्के की हम मैरिनेशन बना देंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको हम बेक करेंगे, फिर उसके बाद हम कढ़ाई शान मसाले के साथ जो है ना फिर उसकी ग्रेवी बना देंगे, ठीक है, जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात यहाँ पर कहते हैं, अभी मैं बात कर रही थी अम्मी के हाथ का फ्लेवर या जो आपके रिवायती खानों का फ्लेवर होता है, तो कुछ रिवायतें हैं जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रही हैं हमारे हाँ, और उनमें से एक रिवायत ये है कि जब नेबर्स के घर में कुछ अच्छा बनता था या आपके घर में कुछ अच्छा बनता था तो एक लाजमी बात थी, हलवा बना है जी, पुलाव बना है, अच्छे चावल बने हैं, बिरयानी बनी है, तो वो नेबर्स में ज़रूर बांटी जाती थी। एटलीस्ट जो आपके इमीडिएट घर होते थे, आपके सामने वाला, आपके इस साइड वाला घर, वहाँ पर ज़रूर जो है वो खाना जाया जाता था। और अभी भी अगर आप लोगों का, अब तो बच्चे ज़्यादा गाँव भी नहीं जाते, हमें जब छोटी थी हमारी तो ऑब्लिगेशन थी कि हर ईद पर गाँव ज़रूर जाना है, तो जब हम गाँव जाते थे तो घर में हमेशा कोई ना कोई प्लेट जो है वो एक इस तरह प्लेट के ऊपर प्लेट पड़ी भी होती थी, और बाहर निकल के पता होता कि किसी की आंटी के घर से ना कुछ अच्छा बन के आया है। और हमेशा जो है एक ये रिवायत का, अपने नेबर्स को इंक्लूड करने का, उनका ख्याल करने का जो है बात जरूर की जाती थी। फिर कभी गम या खुशी का मौका होता था तो उसमें भी जो है, खुशी के मौके पर तो हम चीज़ें बांटते ही हैं, लेकिन गम के टाइम पर भी जब उस घर में चूल्हा नहीं जलता है, जब उस घर में किसी को ख्याल ही नहीं होता खाने पीने का, तो भी ख्याल रखते थे नेबर्स के खाना जो है एटलीस्ट वो पड़ोसियों की तरफ से ही चला जाए, ताकि उनको इस चीज़ की टेंशन ना हो, जब उस घर में मेहमान आए हुए हो तो भी जो है आप खाना लेकर जाएं और उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना चुके। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है किसी को अपने नेबर्स का नाम भी नहीं पता होगा कि हमारे साथ वाले घर में कौन रह रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा इंटरफेरेंस करो तो लोग माइंड कर जाते हैं, अच्छा खाना बनाया तो अपने घर रखो, है ना, मतलब अगर आप ज़्यादा जाना चाहें, मिलना चाहें, तो माइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमारी सकाफत है, यही हमारा अपनापन है, यही चीज़ें आपको याद आती हैं जब आप बाहर जाएंगे ना, और कोई पूछेगा भी नहीं आपको, मुँह नहीं लगाएगा है कि अच्छा अपने घर में रहे, तो आपको याद आएगा क्या है वो आंटी जिनके घर से अच्छी अच्छी खुशबू आती थी खाने की, पुलाव की, वो शायद दोबारा आ जाए तो कितना मज़ा आए। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सनम इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, मुझे बताइए, मैंने जो सवाल पूछा है उसका मुझे अच्छा सा जवाब दें, ताकि मैं आपको ये शान की तरफ से गिफ्ट भी दे सकूँ, कि जो घर में मेहमान आ जाते हैं और थोड़ी सी जहमत बन जाते हैं, उनसे किस तरह आप जान छुड़ाती हैं? दरअसल मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है, और अगर मेहमान ज्यादा देर रुकना शुरू हो जाए तो फिर ज़ाहिर है इंसान तंग हो जाता है। ज्यादा देर रुकना शुरू हो जाए या बगैर बताए आ जाए, आपने कहीं निकलना हो, आप तैयार हो और उसी वक्त ढेर सारे लोग आ जाए, या घर में कुछ अच्छा नहीं बना हुआ और एकदम से आ जाए, महीने के एंड पे आ जाए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? जी बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी इंसान कोशिश करता है कि उनको अच्छा खिला सके, पका सके, उनका ख्याल रख सकें, बिल्कुल बगैर पूछे आ जाए तो फिर मसला होता है, इंसान परेशान हो जाता है, कुछ बना नहीं सकता उनके लिए एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, बस टाइमिंग के जो है ना मसाइल हो जाते हैं। अच्छा मेरा आपसे एक और सवाल है, मुझे बताएं, आपने शान मसालों का नया एड देखा है? जी जी, ठीक है, उसमें मुझे बताएं कि वो जो चाइनीज खातून है वो कौन सी डिश बना रही है? जी बिरयानी बना रही है वो। क्या बात है, जबरदस्त जी, वाकई आपने बड़े गौर से वो एड देखा है। तो इस सही जवाब पर शान मसाले की तरफ से मैं आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रही हूँ, जिसमें जी मिक्स्ड पिकल है, जिंजर और लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ी अंग्रेजी भूल गई थी मैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है इसके अंदर, डिफरेंट मसाले हैं, और ये क्या है जी साथ में,
اس کا میں نام نہیں پڑھ سک رہی ہے. بہت سارے لوازمات ہیں شان کی طرف سے, قورمہ مسالہ ہے, بریانی مسالہ ہے, اچار گوشت مسالہ ہے, گارلک جنجر گارلک پیسٹ آپ کی زندگی بہت آسان بنا دیتا ہے. اچھا میرینیٹ ہم نے کر دیا, ہم نے یہ میرینیٹ کر لیا, اس کے بعد پھر ہم گریوی بنا دیں گے, گارلک اونین سوتے کریں گے, شان مسالہ ڈال دیں گے, کڑھائی مسالہ, اس کی گریوی بنا کے جب آپ اوون میں اس کو بیک کریں گے, بیک کرنے کے بعد اس کو نکال کے پھر اس گریوی میں مکس کر کے اس کا کڑھائی بنا دیں گے. ہم نے بڑی آپ کو جو ہے نا یہ نئی قسم کی کڑھائی بنائی ہے جس میں بیکنگ بھی انوالوڈ ہے. اچھا اگر کسی گھر میں اوون نہیں ہے, اوون نہیں ہے تو آپ, یہ ہے کہ یہ اسپیشل فرمائش ہے میرے گاؤں سے. اچھا کیونکہ میرے گاؤں سے کل بھی کال آئے, کافی ٹائم سے آ رہا ہے کہ آپ کڑھائی بناؤ, ادھر کا کڑھائی میں اور ادھر وہ ٹیسٹ نہیں بنتا, کیونکہ اکثر میرے دوست وغیرہ آتے رہتے ادھر گھر میں, میں ان کے لیے کڑھائی اکثر بنا لیتا ہوں, تو مجھے کہتے ہیں بھائی ادھر یہ چیز نہیں بنتا, ادھر کیا مسئلہ ہے. بیسکلی یہ ہے کہ ادھر کے جو ٹماٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ کھٹے ہوتے ہیں, اچھا اس وجہ سے ان کو وہ ٹیسٹ نہیں ملتا, اور ادھر زیادہ تر اسپائسیز بھی جو جاتے ہیں میرے خیال میں صحیح اسپائسیز نہیں ہوتے. ہم ٹماٹروں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم آپ کو شان مسالے ضرور پہنچا سکتے ہیں, شان مسالے کا تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر وہ ٹیسٹ آ جائے. ویسے آپ کو شیف بہادر کو لے کے جانا پڑے گا اگر آپ کو اتنی ہی اچھی کڑھائی چاہیے تو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ سندر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہوں. میں کچھ سناؤں گی آپ کو, سنائیے. ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم, باتوں سے خوشبو بکھیرتے ہوئے اے ٹی وی گلدستے کو بھی السلام علیکم. واہ جی کیا بات ہے, بڑا تیز تیز سنا دیا آپ نے, لیکن بہت اچھا تھا. آپ ہم سے گفٹ ہیمپر جیتنا چاہیں گی شان مسالے کی طرف سے, تو پھر آپ نے مجھے جو ہے جواب دینا ہے کہ شان کے ایڈ کی جو نیا ایڈ ہے اس کی ٹیگ لائن کیا ہے؟ خوشیاں چکھ لو. واہ جی واہ کیا بات ہے, زبردست. اور آپ کو سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے اس ایڈ کی؟ اس میں یہ جو جاپانی خاتون ہے نا, چائنیز خاتون, انہوں نے جو کھانا بنایا نا ان کا مجھے بڑا مزے کا لگا ایڈ, کیونکہ وہ دیکھیں مسلمان ہیں اور ان کے پاس آئی ہیں کھانے دینے کے لیے, ہے نا مسلمان. زبردست جی, زبردست بالکل. اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہماری ثقافت جو ہے اور رشتے بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے, کسی کو اچھا کھانا کھلا دو تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں گے. مجھے آپ کی بھی آواز لگتی ہے, آپ میں آپ کا انداز بہت اچھا ہے پروگرام کرنے کا, اور میں دوبارہ وہ بتا رہی ہوں کہ اے ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم, باتوں سے خوشبو بکھیرتے ہوئے اے ٹی وی کے گلدستے کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا خوبصورت آپ نے شعر سنایا, اور آپ کے لیے بھی شان کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی خوبصورت جو ہے روایت بتاؤں گی اپنے گاؤں کی, جو جب میں اسلام آباد میں پہلی دفعہ عید کی تو میں بہت حیران ہوئی, اور جب سب سو رہے تھے تو مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے کہا یہ کیا مطلب عید ہے؟ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں سب جو ہیں وہ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھ کے, تو گھر میں دیگ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے, اور ہر گھر میں جتنے مرضی فردوں کم ہیں یا زیادہ ہیں ایک دیگ جو ہے وہ ضرور بنتی ہے, اور وہ دیگ بننے کے بعد ایک بڑا سا دسترخوان لگتا ہے, ہم سب زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, تو باہر جو ہے صحن میں بڑا سا دسترخوان لگتا ہے, اور اس کے اوپر بڑی بڑی ٹریز میں جو ہے پھر وہ چاول سرو کیے جاتے ہیں, اس میں میٹھا ہوتا ہے چاول ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب مرد حضرات اٹھتے ہیں تو وہ سارے دوست مل کر پہلے ایک گھر میں جاتے ہیں, وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں, پھر اگلے گھر میں جاتے ہیں, پھر اگلے گھر میں جاتے ہیں, پھر اگلے گھر میں. آپ نے حاضری لگانی ہوتی ہے ہر گھر میں, آپ نے عید ملنی ہوتی ہے ہر گھر میں, آپ نے ان چھوٹوں کو جو ہے تو 10-10 روپے عیدی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے وہ بھی دینی ہوتی ہے, اور آپ ہر گھر کا کھانا جو ہے ہر گھر کی ثقافت ضرور چکھتے ہیں. اسی طرح خواتین بھی, جب وہ راؤنڈ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد خواتین جاتی ہیں ہر گھر میں جا کے جو ہے وہ جو پلاؤ بنا ہوتا ہے, جو بھی اس گھر کے لوازمات ہوتی ہیں اسپیشلٹیز ہوتی ہیں وہ بنی ہوتی ہیں وہ چکھتی ہیں. یہاں جب میں آئی میرے پہلی دفعہ عید کی, میں صبح صبح اٹھی اور میں تیار ہوئی, اور میں نے کہا اب تو میں نے محلے کا راؤنڈ لگانا ہے, اور میں سب آنٹیوں کی بریانی چیک کر کے جج کروں گی کہ کیسی بنائی ہے, اور یہاں پہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں, یہاں بس ہمیں دو لوگوں نے سوئیاں بھیج دی اور وہی کچھ تھا. لیکن ہم لوگوں کا یہ جو کلچر ہے, جو ثقافت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے. میرے مجھے گاؤں گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گئے, لیکن آئی ہوپ کہ وہاں پر عید ابھی بھی جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے, اور یہی چیزیں ہمیں یہاں بھی لانی چاہیے اپنے اپنے. اگر آپ لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں نا تو اپنے گھر سے سٹارٹ کیجئے, اور اس دفعہ عید پہ آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان میں بھی اپنے جو ہے فرینڈس کو ضرور انوالو کریں, اپنے نیبرس کو ضرور انوالو کریں اپنی لائف میں, اپنے کھانوں میں, اور یہ عید پہ ضرور فالو کیجیے گا جو میں آپ کو ٹریڈیشن بتایا. آپ کو میں کمرشل دکھاتی ہوں شان کا جو بہت زبردست ہے, اور پھر آپ مجھے بتائیے گا اس میں سب سے اچھی چیز کیا لگی. دیکھیے جی, سو سویٹ ہے نا, اس کی سب سے اچھی بات کیا لگی؟ تو اس کی اچھی بات مجھے بہت
शान मसाले वालों ने अच्छा बहुत अच्छा ऐड दिया है, इससे हमें ये मैसेज दिया है कि आप कहीं भी जाए, दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप अपनी कल्चर, अपने फूड को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप तो, हर किसी का दिल जीत सकते हैं। सही बात है, स्पेशली पाकिस्तानी खाने तो इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं वाकई। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप इम्प्रेस जरूर कर सकेंगे लोगों को अपनी कोई ना कोई डिश जो है वो खिला के। सही तो ये, और स्पेशली अगर शेफ बहादुर गए तो वो तो साथ ही आ जाएंगे पाकिस्तान, उनके इतने अच्छे खाने बनाते हैं ये, है ना। आपका इत्तेफाक हुआ है ना बाहर जाने का? हाँ, मैं चाइना में भी रहा हूँ, चाइना में मैं उरुमची में रहता। अच्छा, तो उधर एक रेस्टोरेंट में, चाइना में ये है कि आपको पाकिस्तानी ब्रांड या उनके अपने फूड है, हाँ। बाहर वाले या केएफसी या इस तरह की चीज आपको, खास तौर पे मैंने उरुमची में मैंने नहीं देखा, हाँ। तो हत्ता के उनके ब्रांड भी आपको चाइनीज ब्रांड मिलेंगे, बाहर के कोई ब्रांड कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल, तो उधर मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था, उधर ज्यादातर मैं बारबेक्यू और ये चीजें बनाता था। अच्छा, तो उन्होंने बहुत पसंद किया। मैं जब आ रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, उधर कुछ मेरे शेफ्स थे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, एक साल मेरा गुजरा उनके साथ। जब आ रहे थे कि मेरे भी आंसू आ रहे थे और वो लोग भी रो रहे। ओह सो स्वीट, ये मेरी जिंदगी का बहुत से सबसे अहम वो लम्हा गुजरा है। दैट्स सो स्वीट। और बिल्कुल ऐसे ही जब आप लोगों में अपना कल्चर लेकर जाते हैं और उनके कल्चर को एम्ब्रेस करते हैं तो इतनी ही अटैचमेंट हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल होता है वहां से आना। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। आपको मैं खुशखबरी दूं, जिस तरह इनको वहां पर ये कह रहे हैं कि उनके अपने लोकल ब्रांड्स होते हैं, शान मसाले 70 ममालिक में मौजूद हैं। तो अगर आप जो है इन 70 कंट्रीज में, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप ये पाकिस्तान की जो सकाफत है, जो टेस्ट है, जो आपको घर की याद आती है, इसको ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। तो अपने सुपर स्टोर जाइए और घर ले आइए और ये खाना जो है घर पे भी बनाइए। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक आप साथ। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे एजाज शेर अली साहब ने, और इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। पहले भी हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं, वोकलिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। खूबसूरत सा गाना भी जो है ये इन्हीं ने गाया है, और मैं इनसे अभी पूछ रही थी, मैंने कहा लोकेशन कौन सी है, इतनी खूबसूरत लग रही है। मेहर अली शेर अली कवाल ग्रुप, जिसमें इनके वालिद साहब जो है उस्ताद शेर अली खान साहब भी हैं, 60-70 ईयर्स से जो है वो परफॉर्म कर रही है, उनका हिस्सा भी जो है ये रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले मुझे बताएं ये जगह कौन सी थी? ये कलर कार्ड हमारे पाकिस्तान में ही है, ये जगह बहुत ऊपर, तो वहाँ पे एक लेक है सिवाग लेक। अच्छा, यस, मैंने इसके बारे में सुना है, बीच में काफी ज्यादा मशहूर भी हुआ था, बहुत ज्यादा लोग जाना शुरू हो गए, तो बड़े ब्यूटीफुल, सीरियसली बहुत खूबसूरत है। वीडियो में तो हम प्रॉपर इसको शूट नहीं कर पाए वैसा जैसा ये नेचुरल है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है रास्ते क्योंकि बिल्कुल डॉन है पहाड़ी, बिल्कुल ट्रैक बहुत मुश्किल है इसका, नीचे उतरना फिर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। जी देखिए, मेहनत करके फिर अच्छी चीज जो है ना आपको नजर आती है। हमारे साथ हैं कमर अली अमजद साहब, जिस वक्त तबला पर हैं, और बहुत जल्दी जो है हम आपको बहुत खूबसूरत अमलगमेशन भी जो है वो सुनाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो है डेनमार्क में ज्यादा रहना चाहना, वहाँ पर पपेट थिएटर जो है उसके लिए आपने म्यूजिक डायरेक्ट किया है, तो वो कितना डिफरेंट है? मतलब ये एक बहुत बड़ा जॉनरा है जिसको आप प्ले करते हैं और जेनरेशन से चलता आ रहा है बहुत, तो पपेट म्यूजिक किस तरह है? ये हमने स्टार्ट किया था जब मेरे लिए भी एक चैलेंज था, बहुत मुश्किल है ये पपेट्स का बैकग्राउंड म्यूजिक देना, और वो भी आपके पास कोई इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बस एक हारमोनियम है मेरे पास और एक गिटार है। अच्छा, दैट्स इट, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। तो हमने उसके साथ हमने पपेट्स का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। एक शो हमारा बहुत हिट हुआ दी मोलो, तकरीबन वो 400 टाइम लाइव प्ले हो चुका है। अच्छा जी, वो यूरोप में काफी हिट हुआ हमारा शो, तो हमें लाइव परफॉर्मेंस भी काफी दी है मैंने, जबरदस्त। बल्कि यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान से पपेट्स के रिलेटेड लोग वहाँ पे जो ये काम करते हैं वहाँ पे गए, तो वो म्यूजिक सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ये कितने लोग पीछे बैठे हुए, एक बंदा ये सारा काम कर। अच्छा, मेरे लिए काफी टफ था क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि उनकी एक तो लैंग्वेज का मसला था, वो डेनिश बोलते हैं, तो इंग्लिश के लिए मेरे साथ कभी कभी वो बोलते थे, लेकिन इसकी जो रिहर्सल्स थी वो इतनी टफ थी कि मैं आई कांट एक्सप्लेन यू, कि सारा सारा दिन मैं बैठा हूँ और उसके सीन देख रहा हूँ, वो उनकी जो वो खुद मुतमिन नहीं होते वो लोग,
बिल्कुल वो इतने काम वाले लोग हैं, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट इतना वो होता था कि एक हम बन गया, मैंने सीन को देख लिया, मैंने उसमें सोचा कि अब इसमें मैं ये म्यूजिक दूंगा, ये करूंगा, अब थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर आई है लेडी, उन्होंने कहा नो 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 नो, वी हैव टू चेंज इट, चेंज इट, वो चेंज किया, कुछ और डाल दिया। इनके 7-8 दिन तो मुतमिन नहीं हुए कि एंड तक, हमने जब वो प्ले, मुझे पता है इतना याद है कि जिस दिन हमने उसका शो था हमारा फाइनल कर लिया हमने अपनी तरफ से, जब हमने शो किया तो उस दिन भी वो डायरेक्टर कह रही थी कि इसमें ये चेंजिंग्स हैं, हम दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। वाओ, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो पॉपर शोज होते हैं उसमें भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, एंड दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट एज वेल। उसमें आप तो यहाँ पर कितनी इनोवेशन की, सॉरी छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम इधर से कंटिन्यू भी करेंगे और आपको अच्छा सा गाना भी सुनाते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग टाइम। हमारे पास बहुत कम रह गया, इसलिए मैं चाहूंगी आपको अच्छा सा गाना जो है हम वो सुनाते हुए जाएं। इससे पहले हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, देखिए जी कितनी हसीन लग रही है, और मेरा दिल कह रहा है बस शो जल्दी से ख़त्म हो ताकि हम फिर जाएं, क्या करें, रेसिपी बांटें, है ना, ये तो होना चाहिए ना साथ में। बहुत शेफ बहादुर, ज़बरदस्ती, बहुत ज़बरदस्त लग रही है यहाँ से मुझे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, गाने की तरफ हम चलते हैं, टाइम हमारा थोड़ा रह गया। थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। एक अच्छे से गाने से आज हम शो वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।